एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होती है। इन सभी का एग्जाम चल रहा होता है और तभी इनकी टीचर बोलती है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, और फिर इनकी टीचर क्लास से चली जाती है। अब आकने के फ्रेंड्स बोलते हैं, आकने हमारे साथ शॉपिंग में चलोगी, हम स्कूल ट्रिप के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। आकने बोलती है, सॉरी बट आज मेरी प्रैक्टिस है। अब कोटारो को दिखाया जाता है और तभी रोमन आता है और बोलता है, हे मुझे इग्नोर भी मत करो अब। और तभी डाइची भी वहां आता है, वो पूछते हैं तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। कोटारो बोलता है, अच्छा नहीं। और फिर ये सब थोड़ा मस्ती मजाक करने लगते हैं और आकने ये सब देख रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो को दिखाया जाता है जो एक जगह में बैठ के बैग से एक बुक निकालता है जिसमें न्यू कमर अवार्ड के विनर्स की लिस्ट देख रहा होता है। वो उसने भी एक बुक भेजी थी मगर उसमें उसका नाम नहीं होता। अब वहां डाइसुके आ जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग कोटारो, तुम यहाँ जल्दी आ गए। वो बोलता है, ये एग्जाम वीक चल रहा है। डाइसुके कोटारो के हाथ में बुक देख के बोलता है कि क्या ये तुम्हारी बुक के बारे में है जो तुमने मुझे पढ़वाई थी। कोटारो बोलता है, मैंने तुम्हें दूसरी पढ़ाई थी लेकिन ये मेरी पहली बुक की स्टोरी के बारे में है। डाइसुके बोलता है, तो तुमने पहले ही एक बुक सबमिट करी थी, रिजल्ट क्या आया। कोटारो उसका कुछ जवाब नहीं देता और डाइसुके समझ जाता है और बोलता है, स्कूल पे फोकस करना मुश्किल होता होगा तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो अपने रूम में पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है मगर नहीं पढ़ पाता और बेड पे लेट जाता है और फोन निकाल के आकने को टेक्स्ट करता है और मन में बोलता है, क्या ये अजीब है। अब आकने को दिखाया जाता है जिस पर कोटारो को मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि क्या तुम एग्जाम के लिए पढ़ रही हो। आकने लिखती है, हाँ। कोटारो उसका रिप्लाई देख के खुश हो जाता है और लिखता है, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना। वो लिखती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब इनकी थोड़ी और बात होती है और कोटारो फिर मन में बोलता है कि मैं स्कूल में इससे इस तरीके से बात क्यों नहीं कर पाता। और फिर उसे मैसेज करता है कि तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कोई काम ठीक नहीं हो पाता। आकने रिप्लाई में लिखती है, मुझे लगता है तुम अच्छे हो जैसे भी हो। क्या स्पोर्ट्स फेस्टिवल याद है तुम्हें, मैं उस दिन बहुत खुश थी जब तुमने मुझसे ये बोला। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल दिखाया जाता है, इनकी टीचर बोलती है, टाइम खत्म हुआ, अपने अपने आंसर शीट सबमिट कर दो। और अब एग्जाम के बाद रोमन कोटारो से बोलता है कि स्कूल के बाद घूमने चले क्या। कोटारो बोलता है, नहीं मेरा क्लब है आज। डाइची भी बोलता है कि हाँ मेरा भी। और ये सब बातें आकने सुन रही होती है। अब आकने अपनी दो फ्रेंड्स के साथ आ रही होती है जिनका नाम है चिनाक्सु और आओई। चिनाक्सु कोटारो को देखती है और बोलती है, हे कर्ली कोन। और कोटारो उसे देख के वहां से चले जाता है। चिनाक्सु फिर आकने को बोलती है कि हम फ्रेंड्स बन चुके हैं थैंक्स टू यू, क्योंकि तुमने ही मुझे बोला था कि वो कितना कूल है। अब नेक्स्ट सीन में सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एथलेटिक मीट की और आकने के फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्या तुमने नोटिस करा कि आजकल सभी एक साथ रिलेशनशिप में आते जा रहे हैं स्कूल ट्रिप की वजह से। चिनाक्सु बोलती है, एक बॉयफ्रेंड होना कितना औसम है, सही कहा ना। आकने बोलती है, मुझे नहीं लगता। चिनाक्सु बोलती है, हीरा भी नहीं। और बोलती है कि तुम दोनों को डेट करना चाहिए। आकने बोलती है, मगर क्यों। चिनाक्सु बोलती है, मैंने सुना कि एक लड़की ने उसे प्रपोज करा मगर उसने मना कर दिया, वो किसी और को लाइक करता है। और आकने की दूसरी फ्रेंड बोलती है कि वो आकने ही होगी। अब नेक्स्ट सीन में आकने के घर दिखाया जाता है, उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुमने कोई हाई स्कूल चूज करा कि तुम किस में जाओगी। आकने बोलती है, ऑलमोस्ट कर ही लिया, मैं अभी आजकल ट्रैक मीट में ज्यादा बिजी हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर के स्कूल में क्यों नहीं चले जाती। आकने की सिस्टर बोलती है, हाँ हमारा स्कूल बहुत ही बढ़िया है। आकने बोलती है, मगर वो तो बहुत दूर है। उसकी सिस्टर बोलते, तो हम वापस टोक्यो क्यों नहीं चले जाते, डैड का वैसे भी ट्रांसफर हो जाएगा दोबारा। अब नेक्स्ट सीन में चिनाक्सु को दिखाया जाता है जो रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और आकने की रेस को याद करती है, उसे भागते देख अब वो भी प्रैक्टिस में लगी हुई है और बोलती है, मैं हार नहीं मानूंगी। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो को दिखाया जाता है जो आकने को मैसेज करता है कि क्या तुम्हारा ट्रैक मीट आ रहा है। तभी आकने की सिस्टर बोलती है कि आजकल मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम लाइन कुछ ज्यादा ही चला रही हो। आकने बोलते, तुम अपना काम करो। फिर आकने रिप्लाई करती है कि हाँ संडे को है। कोटारो मन में बोलता है, उस दिन तो मेरी प्रैक्टिस है। और फिर मैसेज करता है, उस दिन मेरे को मंदिर जाना है तो मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। आकने बोलती है, थैंक्स। अब कोटारो याद करता है जब उसने आकने की फ्रेंड को बात करते सुना था कि हीरा को आकने से डेट के लिए पूछना चाहिए, वो जरूर यस बोलेगी। और ये सब सोच के आकने से पूछना चाहता है कि क्या तुम किसी लड़के को लाइक करते हो, मगर वो सोचता है कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। तभी आकने का मैसेज आता है कि मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा प्रे करना, मुझे खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार। कोटारो बोलता है, जरूर। आकने फिर उसे थैंक्स लिखती है। अब ट्रैक मीट का दिन फाइनली आ जाता है और वहां पे आकने को देख के हीरा उसके पास आता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। आकने बोलती है, हाँ। हीरा बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ पाओगी। आकने बोलती है, मुझे नहीं पता। हीरा बोलता है, मुझे लगता है तुम तोड़ दोगी, तुम काफी मेहनत कर रही हो इसके लिए, हम अपना बेस्ट देंगे इसमें। और फिर बोलता है, मिज़ुनो। आकने उसकी तरफ देखती है मगर फिर वो बोलता है कि छोड़ रहन दो और बाय बोल के फिर वहां से चले जाता है। अब एक तरफ कोटारो को दिखाया जाता है जो मंदिर में होता है और दूसरी तरफ आकने की रेस शुरू होने जा रही होती है।
कोटारो वहाँ पे प्रे कर रहा होता है आकने के लिए और आकने की रेस यहाँ पे शुरू हो जाती है। आकने सबसे आगे निकल जाती है रेस स्टार्ट होते ही। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो को दिखाया जाता है जो मंदिर में प्रैक्टिस कर रहा होता है सबके साथ फेस्टिवल की और सोच रहा होता है कि उसकी रेस कैसी गई होगी। और आकने ट्रैक मीट खत्म होने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ एक होटल में आई होती है। वहाँ पे वो जैसे ही कोटारो को मैसेज करने जा रही होती है उसका फोन बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ कोटारो आकने का मैसेज का वेट कर रहा होता है और काफी ज्यादा परेशान भी होता है। अब इनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है और कोटारो जा रहा होता है और तभी वो आकने को देखता है और फिर उससे बोलता है इधर आओ और उसे एक जगह लेकर जाता है। ये दोनों काफी नर्वस होते हैं। तभी आकने बोलती है ये तुम्हारे हाथ में क्या है, ये फेस्टिवल के लिए है ना, क्या तुम भी उसका हिस्सा हो? कोटारो बोलता है हाँ। आकने बोलती है ये कितना कूल है। कोटारो बोलता है इसमें इतना भी कुछ खास नहीं। फिर कोटारो बोलता है तुम्हारी रेस कैसी गई? आकने बोलती है मैंने एक नया पर्सनल रिकॉर्ड बना दिया खुद का। कोटारो बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आकने बोलती है थैंक्स और बोलती है ये बात मैं तुम्हें नहीं बता पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। फिर आकने बोलती है मुझे लगा था तुम यहाँ होगे और तुम यही निकले। अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं। आकने मन में बोलती है ये काफ़ी ऑकवर्ड है और कोटारो मन में बोलता है किसी ने ट्रांसलेट किया था आई लव यू को मून कितना ब्यूटीफुल है में, क्या वो डाजाई था या फिर नात्सु में? फिर कोटारो आकने की तरफ देखता है और आकने को देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। फिर वो बोलता है मून और आकने बोलती है कि क्या ये ब्यूटीफुल नहीं और हंसने लगती है। और फिर तभी कोटारो बोलता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी? और ये सुन के आकने हैरान हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज इस एपिसोड में हमें इस एनिमे के टाइटल एज द मून सो ब्यूटीफुल का असली मतलब बताया गया। जैसा कि कोटारो ने बोला कि द मून इज ब्यूटीफुल इजंट इट, इसको ट्रांसलेट करा था किसी ने आई लव यू में, मतलब कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आई लव यू। और जैसे कि कोटारो ने भी इस एपिसोड में बोला मून और आकने ने रिप्लाई करा कि इट्स ब्यूटीफुल इजंट इट, जिसका मतलब हुआ आई लव यू। और फिर कोटारो ने भी फाइनली उसको डेट के लिए पूछ ही ली। तो इस एपिसोड के साथ हमें इस एनिमे के टाइटल का मतलब भी पता चला और कोटारो और आकने की स्टोरी भी यहाँ से और आगे बढ़ती जा रही है। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल पर बने रहो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।